हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर, दैट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट। दिस सेशन इज़ फॉर क्लास टेंथ, क्योंकि क्लास टेंथ की क्लासेस थी, इसके पहले थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बेंस थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द क्लास टेंथ क्लासेस, बट द क्लासेस आर रिज्यूम्स अगेन, फिर से रिज्यूम हो चुकी हैं। सब लोग को स्प्रेड कर दो इन्फॉर्मेशन को, शेयर कर दो, और सबसे बोलो कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सब बहुत सारी क्लासेस लेके टेंथ के लिए भी आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू हाउ द ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस। ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन, किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। जिसको कभी भूलने की आदत होती है तो उसके लिए बायोलॉजी में बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, जैसे फासे फ्लोएम, फासे फूड। ठीक है, कभी कभी फालतू की ट्रिक भी बनानी पड़ती है। फासे फूड, फासे फ्लोएम। अब फ्लोएम मत लिख देना भाई, ठीक है? ऐसा नहीं कि फ्लोएम की स्पेलिंग एफ से होती है, फ्लोएम की स्पेलिंग पी एच होती है। वो केवल याद करने की ट्रिक है कि आपको कभी भूलेगा नहीं कि भैया फ्लोएम ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम तो वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और मुझे बताना कि कल जो ये मैंने बहुत सारी पिक्चर के हेल्प से आपको ये टॉपिक समझाया था, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट, डेट इज़ एक्सक्रीशन। अब देखो, एक्सक्रीशन होता क्या है और एक्सक्रीशन क्या की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में? जैसे आजकल गर्मी है तो आपको स्वेटिंग हो रही है, ठीक है? ठंडियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में यूरिनेशन कम होता है, ठंडियों के दिनों में यूरिनेशन ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है हमारी बॉडी में? ठीक है, या अगर आप बहुत ज़्यादा एसी में रह रहे हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको गर्मी कम लग रही है और पानी का इनटेक कर रहे हो, तो आपको तब भी यूरिनेशन ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जिनका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, परस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनमें यूरिन का डिस्चार्ज कम होता है। ठीक है, तो एक्चुअली एक्सक्रीशन है क्या? हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप अपनी लाइफ जो है सुबह से, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं हम अपनी लाइफ, तो होता क्या है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, किचन में जाते हैं, अपने रूम में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट नहीं बनते। किचन में जाते हैं, वेजिटेबल पील हैं, मसाले के पैकेट्स हैं, मतलब ऑयल की बॉटल्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनते, मतलब उसमें प्रोड्यूस होती रहती है, उसमें निकलती रहती हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? वेस्ट होता है। ऐसे हमारे रूम में कुछ पेपर्स हैं, डस्ट है, ये सारी चीज़ें, तो हम उसको क्या करते रहते हैं? क्लीन करते रहते हैं। अब बताओ, अगर क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा? क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी और वो इन्फेक्शियस हो जाएंगी, तो टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा बहुत ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको जाने का मन करता है? ठीक है, वहाँ पे आपको खेलने का मन, जाने का मन कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो अगर हमारे बॉडी में भी जो वेस्टेज बनते हैं, अगर वो कलेक्ट हो जाए, तो क्या होगा? हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी आ जाएगी। टॉक्सिसिटी मतलब हमारी बॉडी जहरीली, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स बनने लगेंगे, और उससे हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, और हम किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। समझ में? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया कि भाई ये वेस्टेज आते कहाँ से है? सर ने बता दिया कि भाई किचन में तो वेजिटेबल पील से वो और भी बहुत सारे वेस्टेज आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे, मतलब हमारे बॉडी में वेस्टेज कहाँ से आ जाता है? ठीक है, तो एक्चुअली हमारे बॉडी में होता है कौन सा प्रोसेस है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि भाई हम वाटर की हेल्प से, बहुत सारे मिनरल्स की हेल्प से, हम हमारी बॉडी के जो बिल्डअप होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो फॉर्मेशन होता रहता है, वो चला करता है। ठीक है, तो मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा चला करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन, केमिकल्स का ब्रेकडाउन, तो उसमें बहुत सारे वेस्ट भी बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स का भी, ऐसे भी केमिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, उनको निकालना है। क्लियर है? तो जब भी हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करती है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ड्यूरिंग दीज बायोकेमिकल रिएक्शन टॉक्सिक वेस्टेज। टॉक्सिक मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। वाटर, जैसे आपने वाटर का इंटेक किया ना, ज़्यादा वाटर पी लिया, तो ये थोड़ा ना कि आप वाटर पीते जा रहे हो, हाँ बॉडी में कोई वो एब्जॉर्बर लगा है कि सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना वाटर बॉडी को चाहिए होगा उतना रखेगा, बाकी क्या करेगा? बाकी बॉडी के बाहर करेगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इज़ इधर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड।
आयनिक बैलेंस, हमारी बॉडी में जितने भी आयन्स होते हैं उनका बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। आपको पता नहीं लगता लेकिन आपके बॉडी में जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन भी होता है। अगर आयन ज़्यादा हो गए तो एक्सक्रीट हो जाता है, आयन कम हो गए तो उसका रीअब्जॉर्प्शन, उसको रख लेते हैं, उसको एक्सक्रीट नहीं करते हैं। समझ में आए? सो व्हाट इज़ द, तो डेफिनेशन क्या बन गई एक्सक्रीशन की भाई? तो ये हो गई द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज मतलब एग्जिबिटेड बाई द डिफरेंट एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब एक्सक्रीशन शो करते हैं। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया एक्सक्रीशन नहीं शो करता, उसमें भी एक्सक्रीशन होता है डिफरेंट तरह से। अमीबा भी एक्सक्रीशन शो करता है जिसको हम देख नहीं सकते। कैसे करता होगा? डिफ्यूजन से करता होगा। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें एक्सक्रीशन होता है, जितने फ्रॉग्स होते हैं और भी एनिमल्स होते हैं सब में क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। यहाँ तक कि प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द इन द लाइफ प्रोसेसेस। और ये टॉपिक आपके लिए लास्ट भी होगा आपके लेसन का, इसी टॉपिक के साथ ये लेसन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। एक्सक्रीशन पढ़ते हैं किसमें? ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा कि जब बर्ड्स जो है एक्सक्रीट करती हैं तो जैसे टूथपेस्ट की तरह वो पेस्टल फॉर्म में प्रोड्यूस करती है ना, कभी वो वाटर का मतलब एक्सक्रीशन नहीं करती। तो एक्चुअली बहुत सारे एनिमल्स का एक्सक्रीशन का तरीका अलग अलग होता है। उनमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो पेस्टल फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उसी पेस्टल फॉर्म में वो उसको बॉडी के बाहर फेंक देती है, मतलब बॉडी के बाहर उसको हटा देती है, एलिमिनेट कर देती है, रिमूव कर देती है, ठीक है। उनमें क्या होता है, वाटर का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। वाटर को बहुत ज़्यादा कंजर्व करके चलती हैं, ठीक है। जैसे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें अमोनिया का सेक्रीशन होता है, अमोनिया एज अ एक्सक्रीटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में यूरिक एसिड होता है, यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है नाइट्रोजनस, ठीक है। हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है नाइट्रोजनस, और ये सबसे ज़्यादा होता है हमारे लिए हार्मफुल। तो बढ़ते हैं आगे। एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, देख सकते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन लगा दी है, ठीक है। ये आपको एक पेल्विक बोन दिख रही है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा स्टमक होता है ना, स्टमक होता है, एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसी के जस्ट पीछे मतलब डॉर्सल साइड पे। आप अपना हाथ जरा अपने पेट पे रखिए, ठीक है। तो आपने हाथ अपना पेट पे रखा तो ये वेंट्रल साइड है, जहाँ पे आपने हाथ रखा है वो वेंट्रल है। अब जरा अपने हाथ को पीछे की तरफ पीठ की तरफ लेके जाइए, वो होता है डॉर्सल। तो जो किडनी होती है ना, वो दिखा तो मैं सामने से रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टमक को हटा दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को हटा दिया, तो पीछे का पोर्शन दिखने लगा। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? डॉर्सल। समझ में आ गया? वेंट्रल और डॉर्सल, मतलब कितना अच्छा तरीका देखो बताया ना, ठीक है। अपने हाथ को पीछे लेके जाओ पीठ की तरफ, ठीक है, जहाँ पे बैकबोन होती है, और बैकबोन के दोनों ही साइड, ये दोनों ही साइड, यहाँ पे जो बैकबोन होती है पीछे, उसी के दोनों साइड टू किडनीज सिचुएटेड होती हैं, और ये हमारा क्या बनाती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन करने के लिए हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। इतनी ज़्यादा एडवांस डिवाइस अभी तक डॉक्टर भी नहीं बना पाए, ठीक है, कि इतने अच्छे से ये ब्लड को फिल्ट्रेशन करती है। देखो जितने भी वेस्टेज होते हैं ना हमारे बॉडी में, जितने भी टॉक्सिक केमिकल वेस्टेज, ये सब इंटर हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। तो मेन हमारे हमारे बॉडी में किसकी सफाई होती है? ब्लड की। तो जो ब्लड जब किडनी में जाता है तो ब्लड में, ब्लड का वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, मतलब उसकी क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग करने के बाद ब्लड जो है वो फिर से हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से बार बार हमारी किडनी में जो ब्लड जाता रहता है तो ब्लड उसको क्या करता रहता, सॉरी किडनी उसको क्या करती रहती है, क्लीन करती रहती है। अब जैसे आपकी, जब आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो किडनी में ब्लड गया, क्योंकि जो पानी पिया वो, ये थोड़ा ना कि पानी ऐसे ऐसे टहल रहा है नदी की तरह, ठीक है, वो पानी किस में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और यही ब्लड जो है जब किडनी में जाता है तो उसका फिल्ट्रेशन होता है। अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो वाटर फिर से ब्लड में दे दिया जाता है, और अगर वाटर ज़्यादा है तो वो यूरिन के थ्रू आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, इसका मतलब दो किडनी होती हैं। फिर किडनी से एक ट्यूबवेल निकलती है जिसका नाम होता है यूरेटर, ठीक है, और किडनी में जो वेसल्स जाती हैं उनको बुलाते हैं रीनल। जैसे जब भी आप कहीं लिखा हो हेपेटिक, तो हेपेटिक का मतलब होता है किससे, लीवर से, ठीक है, और अगर कहीं लिखा हो रीनल, याद रखना,
पूरी बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर लिखा हो रीनल, तो उसका रिलेशन किससे होता है? किडनी से। तो अगर रीनल आर्टरी लिखा है तो जान लेना आर्टरी किस में जा रही है, किडनी में जा रही है। रीनल वेन लिखा है तो जान लेना वेन कहाँ से निकल रही है, आर्टरी सॉरी किडनी से निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी रीनल वर्ड आ जाए उसका रिलेशन किससे होता है? किडनी से होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो रीनल आर्टरी, ये रीनल सॉरी ये रेड कलर वाली रीनल आर्टरी है और ये जो ब्लू कलर वाली ये क्या है? रीनल वेन है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है और रीनल वेन ब्लड लेके यहाँ से चली जाती है। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन बनती है वो कैरी होती है यूरेटर से, देख सकते हो ना यूरेटर लिखा है, और यूरेटर लाके उसको यूरिनरी ब्लैडर में फुल कर देता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपको अर्ज आती है यूरिनेशन की। ठीक है, तब आपको लगता है कि आपको यूरिन डिस्चार्ज करनी है। यूरिन डिस्चार्ज जो है छोटे बच्चों में क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो जब भी उनको यूरिन डिस्चार्ज करना होता है तो अपने पैंट में ही कर देते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो यही करते थे। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा उस पर कंट्रोल होने लगता है। हम यूरिन को क्या कर सकते हैं, यूरिन डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मसल्स लगी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और जब भी मतलब अगर हमें यूरिन डिस्चार्ज की अर्ज आई है तो हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत देर तक कंट्रोल किया तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे बॉडी से फिर रिलीज़ होने लगता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा पता लग गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसी पार्ट को मैंने हटा दिया, वो पार्ट आपके बॉडी में दिखा रहा हूँ और ये पार्ट बॉडी से हटा के दिखा रहा हूँ, अब और अच्छे से दिखेगा देखो ये। ठीक है, तो देख सकते हो ये रीनल आर्टरी है। वेना केवा जानते हो ना, जो वेन्स होती हैं जो हार्ट की तरफ जाती हैं उनको बुलाते हैं वेना केवा। ये हो गई एओल्टा, ये आगे जाके जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो बना लेती हैं रीनल वेन और ये बना लेती हैं रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी रीनल वेन किससे रिलेटेड होती हैं? किडनी से। ठीक है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है और रीनल वेन ब्लड लेके जाती है। और किडनी, कितनी किडनी होती हैं? दो किडनी होती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। और किडनी का देखो शेप, देखो कैसे दिख रहा है, बीन शेप, आपने राजमा देखा है ना। ठीक है, वो बीन होता है ना, एकदम बीन की तरह दिख रहा है। और अगर आप आज घर में राजमा होगा तो उसको ध्यान से देखना, तो उसमें ऐसे एक जगह ऐसे बना होता है, ये ऐसा नॉच होता है, ग्रूव होता है अंदर की तरफ, इसी को बोलते हैं हाइलम। इसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? हाइलम। ठीक है, और इसी हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी एंटर होती है, रीनल वेन निकलती है, और उसी नॉच उसी पार्ट के थ्रू यूरेटर भी बाहर आ रही है। मतलब जहाँ से यूरेटर बाहर आ रहा है और रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन निकल रही है, तो जाने ना उसी पार्ट को हाइलम बुलाते हैं। फिर यूरेटर देखो यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ पे लेके आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। तो कौन कौन सा पार्ट पेयर में हो गया आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनी पेयर में हो जाती हैं। ठीक है, जो किडनी होती हैं वो किस में होती हैं? पेयर में होती हैं, दो होती हैं। यूरेटर भी पेयर में होता है और यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, यूरेथ्रा एक होता है। तो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर एक एक और यूरेटर दो और किडनी भी क्या हो जाती हैं? दो हो जाती हैं। ठीक है, अब इसी को पढ़ते हैं। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले मैंने क्या बताया, पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज आर बीन शेप, बताया ना बीन शेप होती हैं, रेडिश ब्राउन होती हैं। किडनीज लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टीबर कॉलम, ये मैंने अभी यहाँ पे दिखा दिया था आपको कि यहाँ पे वर्टीबर पीछे कॉलम होता है और दोनों ही साइड वर्टीबर कॉलम के कौन सिचुएटेड होती हैं? किडनी सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी मतलब डायाफ्राम के नीचे। ठीक है, ऑन द इनर कॉन्केव साइड, जो इनर कॉन्केव साइड होता है किडनी का, ठीक है, उसी से जितनी भी वेसल्स होती हैं, जो भी पार्ट होते हैं, वो उसी से निकलते और एंटर करते हैं। उसी नॉच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं? हाइलम। आज जाके जब राजमा देखना तो राजमा में एक जगह जो पार्ट है वो अंदर की तरफ देखो एंटर किया होगा, ग्रूव होगा। ठीक है, उसी को बुलाते हैं हम हाइलम। ऐसे ही किडनी में भी होता है, ब्लड वेसल्स नर्व ये सब उसी के थ्रू एंटर करती हैं और जो यूरिन होती है यूरेटर के थ्रू वो भी वहीं उसी से निकलती है, हाइलम से ही। ठीक है, तो ये हो गया किडनी के बारे में। और किडनी में ही वो जो मतलब किडनी में ही क्या होती हैं, अभी मैं बताऊंगा। किडनी में जो है कुछ ट्यूबल्स होती हैं जिनमें फिल्ट्रेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब आ जाओ पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, यूरेटर का क्या काम है, अभी आपने देख लिया कि यूरिन को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। फ्रॉम हाइलम ऑफ ईच किडनी इमर्ज आउट, इमर्ज जहाँ पे भी इमर्ज आ जाए उसका मतलब होता है निकलना, आउट अ सिलेंडर वाइटिश ब्लू ट्यूब होती हैं। मतलब जो ये यूरेटर होती हैं वाइटिश कलर की होती हैं। ठीक है, और ये अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इनकी डायामीटर 3 से 4 मिलीमीटर होती है।
ठीक है। और ये आके किससे कनेक्ट हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या फिल करने लगते हैं, यूरिन फिल करने लगते हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन इसमें आती रहती है, ठीक है। ये नहीं कि इकट्ठा आ जाती है, ऐसा नहीं होता कभी कि यूरेटर इकट्ठा यूरिन लेके आ गए, ऐसा होता तो एक बार तुरंत यूरिन आती और आपको लगता हाँ हमें यूरिन डिस्चार्ज तुरंत करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ड्रॉप ड्रॉप यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, यूरिनरी ब्लैडर ये ब्लैडर लाइक होता है, स्ट्रेच होता रहता है, ठीक है, पियर शेप होता है। पियर आपने देखा है ना, नाशपाती देखा है ना, कि एक तरफ हल नीचे की तरफ थोड़ा सा नैरो, देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ देखो थोड़ा सा नैरो हो गया ना, ऊपर ब्रॉड है, तो ये किसका शेप होता है, पियर शेप होता है, ठीक है। तो पियर शेप होता है, इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी, आप यहाँ इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये पेल्विक, इसी ये जो बोन होती है ना, ये पेल्विक बोन होती है और इसी में ये सिचुएटेड होती है, पेल्विक कैविटी जिसको बुलाते हैं, ठीक है, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होती है। इसमें स्फिंक्टर मसल्स लगी होती हैं जो यूरिन डिस्चार्ज को कंट्रोल करते हैं, और एक बार यूरिन अगर यूरेटर में आ गई तो वो वापस नहीं जाएगी, मतलब एक बार यूरिनरी ब्लैडर में आ गई तो वो बैकफ्लो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स लगी होती हैं, विच रिमेन क्लोज एंड ओपन ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। ये क्लोज और ओपन, क्लोज तो रहती हैं हमेशा, कब ओपन होंगी, जब यूरिनेशन करना होगा तभी ये स्फिंक्टर ओपन होंगी, ठीक है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पैसेज है, किसका पैसेज होता है, यूरिन का पैसेज होता है। द ब्लैडर लीड्स टू यूरेथ्रा विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल अपरेचर, जहाँ पे भी अपरेचर वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, अपरेचर से। इन ह्यूमन मेल इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है मेल में, और फीमेल में इसकी लेंथ होती है कम, दैट इज़ 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूरेथ्रा मेल में ज़्यादा मतलब लॉन्ग होता है और फीमेल में होता है कम, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ये पता लग गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक। अब हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कि किडनी का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है, किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपके टेस्ट भी बहुत जल्दी नज़दीक आ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो होने वाले हैं, ठीक है, और उसमें ये लेसन आने वाला है, दैट्स वाई आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करके रखा हूँ, ठीक है, ताकि जब तक आपका टेस्ट आएगा तब तक ये लेसन ख़त्म हो जाएगा और आपको ये पूरा लेसन तैयार करना है अपने टेस्ट के लिए। सो होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल, और इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करना। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अच्छा लगता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है, केवल खराब अच्छी बातें थोड़ी ना बतानी चाहिए, खराब बातें भी बतानी चाहिए, ठीक है। सो होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, और योगा करते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, और बायोलॉजी पढ़ते रहिए। सो करते हैं इस लेसन को कम्प्लीट।